नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी के इस श्रृंखला कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पीटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज के लेक्चर में हम लोग दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्रंट पर जो चर्चा करेंगे, जो कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों के लिए एक सिलेबस में टॉपिक निर्धारित किया गया है। और इस टॉपिक को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन से लोग रहे हैं, क्या क्या चरण इसमें रहे हैं और इससे क्या क्या सवाल आप लोगों की परीक्षा में महत्वपूर्ण बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन फ्लड को जो है यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित, सबसे पहला प्रश्न तो आपके एग्जाम में यही आता है, क्योंकि एक मीडियम रेंज और लेवल का एग्जाम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इससे भी सवाल संबंधित पूछे जा सकते हैं कि किससे संबंधित है। और ये सभी लोगों को जानकारी भी होगा और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन और उसकी वृद्धि से जो है संबंधित जो है कार्यक्रम है। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में कोई समस्या ही नहीं कि यह दुग्ध उत्पादन से जो है संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ये तब स्वतंत्रता के बाद से अगर देखा जाए तो भारत में दूध का उत्पादन काफ़ी हो रहा था, लेकिन वो असंगठित रूप में हो रहा था, जिसका कोई डेटा नहीं था, जिसका प्रोसेसिंग नहीं था, जिसका संग्रहण नहीं था, जिसका न तक उपभोक्ताओं तक पहुँचने का कोई व्यवस्था था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो प्रारंभ कर दिया गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मस्तिष्क का उपज था। इन्होंने उसके लिए प्लान बनाया। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ताकि बहुत बड़े स्तर पर जो दूध के उत्पादन को जो है कार्यक्रम को लाया जा सके और दूध उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके, उपभोक्ताओं को जो है विभिन्न प्रकार के अनिश्चितताओं से बचाते हुए एक नियमित रूप से जो है सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाया जा सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1970 ईस्वी में दुग्ध जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन के लिए जो प्रारंभ किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के आधार पर जो 26 नवंबर को जो है दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है और ये 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो है जन्म है। क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा जो है 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, इसलिए उनके एक जो है महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण से उनके जन्मदिन 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। 1970 ईस्वी में इसका फर्स्ट फेज जो है प्रारंभ होता है और इस फेज में चारों महानगर के उपभोक्ताओं को जोड़ने का काम किया गया ताकि हम उन आवश्यकताओं को भी जो है परख सके, चिन्हित कर सके, जहां तक हमें अपने दूध की मात्रा को प्रोसेसिंग के बाद पहुंचाना है। तो इस चरण में जो है यह कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया। इसका दूसरा चरण, इसमें तीन महत्वपूर्ण चरण बनाए गए थे। दूसरा चरण ये जो है 80 तक जो है चला था और दूसरा जो है 81 से लेकर के जो है 85 तक जो है चलाया गया और तीसरा कार्यक्रम जो है वो 85 से आगे जो है चलाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 1, 2 और 3 यानी कि ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत कितने चरण थे, ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 3 मुख्य रूप से चरण थे और उसके बाद भारत जो है दुग्ध के उत्पादन में 1998 ईस्वी से प्रथम स्थान पर आ गया। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत जो है दुग्ध के उत्पादन में वर्तमान समय में अब प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और इन ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए गए वो जहाँ पर हम 1950 ईस्वी में अगर देखा जाए तो 124 ग्राम दूध के उत्पादन प्रति व्यक्ति की उपलब्धता पर थे, ये 2018 तक आते आते इसकी जो मात्रा है वो 410 ग्राम प्रति व्यक्ति के स्तर पर हम लोगों ने इसे पहुंचा दिया। तो इस तरीके से ऑपरेशन फ्लड एक सुनियोजित ढंग से जो बनाए गए कार्यक्रम, किसानों को जो है दिया गया जो है प्रोत्साहन और उनके द्वारा अपने दिए गए जो एक महत्वपूर्ण योगदान के कारण से भारत पूरी दुनिया में 1998 के बाद अगर देखा जाए तो दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। और आज की डेट में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जहां पूर्व में 1950 ईस्वी में 124 ग्राम प्रति व्यक्ति था, आज की डेट में 410 ग्राम आ गया है, यानी कि लगभग जो है आधे लीटर से थोड़ा सा कम, यानी कि 500 ml जो होता है वो आधा लीटर होता है और 410 ml के आसपास हम लोग हैं। तो जो एक जो है एक महत्वपूर्ण स्तर है और दूध की उपलब्धता के लिहाज से, चूंकि दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसमें माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर की आवश्यकताएं जो है इससे पूरी हो सकती हैं, तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर जो है दूध के उत्पादन में ये एक महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम रहा है। ये वैश्विक स्तर पर भारत पहले स्थान पर है।
अगर हम इंडिया में इसको ला करके देखें तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है, और गाय गाय एवं भैंस, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं इसलिए इसको हम चर्चा में लेते हैं, इनकी संख्या के लिहाज से भी जो है उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो ये दो क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, उत्तर प्रदेश में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पर अगर हम जो है गाय और भैंस की संख्या के लिहाज से देखें यानी कि पशुओं के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रथम बनी हुई नजर आती है। तो वैश्विक स्तर पर और भारत में जो है राज्यों के स्तर पर हम लोगों ने इसे देख लिया, चरणों को देख लिया, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें हमने इसमें जो देखने का प्रयास किया। एक और चीज इसमें हम लोग देख लेते हैं, सहयोग, इसमें सहयोग भी किया गया था, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है चलाया गया था, विश्व खाद्य और कार्यक्रम चलाया गया था, इसके माध्यम से जो है ईसीसी और यूरोपीय संघ, इसी को ही जो है कहा जाता है, ये बात का जो है एक नाम है यूरोपीय जो है संघ, इसके माध्यम से जो है मुझे सहायता जो प्राप्त हुई थी, और दूसरा इसमें जो है विश्व बैंक है जिसके माध्यम से इसमें जो है सहायता जो दी गई थी। दूसरे चरण में महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम बनाया गया, तो पहले चरण में हमने जो उपभोक्ताओं को जोड़ने का काम किया, दूसरे चरण में इसको बढ़ाने का काम किया, तीसरे चरण में हम लोगों ने गर्भाधान केंद्र जो है स्थापित किया, पशुओं के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था भी देखा, इसके दुग्ध उत्पादन और उससे संबंधित और संरचनात्मक ढांचे जैसे प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए गए। तो ये एक कार्यक्रम था जिसके माध्यम से हम लोग जो 98 तक आते आते पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच गए। तो ये सहयोग के रूप में जो है अगर देखा जाए तो इस तरीके से यूरोपीय यूनियन विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत और बाकी विश्व बैंक के द्वारा जो है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को जो है सहायता प्रदान किया गया। कई बार यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण जो है प्रगति है जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और इससे संबंधित जो है सवाल परीक्षा में जो है वो पूछे भी जाते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड के जो है ये चरण थे, ऑपरेशन फ्लड के जो उद्देश्य भी हम देख लेते हैं, इसके जो है उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन फ्लड का जो है तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक तो जो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना इसका जो है एक महत्वपूर्ण कार्य था, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना इसका पहला कार्यक्रम था। दूसरा यह है कि गांव की आय को बढ़ाना, गांव की आय को बढ़ाना, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम था वो उपभोक्ता हित, उपभोक्ता हित। ये तीन जो है महत्वपूर्ण बातें यहां पर निकल करके सामने आती हैं जो इसका की जो है ऑपरेशन फ्लड का जो है उद्देश्य बताते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है प्रारंभ किया गया, ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य क्या थे, ऑपरेशन फ्लड के चरण क्या थे, ऑपरेशन फ्लड का परिणाम क्या था, जो कि आपके सामने है कि 1998 के बाद भारत जो है पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आ गया। अगर इंडिया में देखें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, गाय और भैंस के अगर संख्या के लिहाज से भी देखा जाए यानी कि पशुओं के आधार पर भी, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बनता है। इसमें सहयोग देखा जाए तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो टॉपिक है वो कई चरणों में बटा हुआ है, और इस तरीके से चरण या क्रम को अगर आप लोग आधार बनाते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी तैयारी के लिहाज से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम जो है इसी को आगे बढ़ाते हैं और भारत में दुग्ध विकास पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमने ऑपरेशन फ्लड को देखा, अब हम इसी क्रम में जो है दुग्ध विकास को भी देखने का प्रयास करेंगे कि दुग्ध विकास के लिए भारत में क्या कार्यक्रम किए गए। ऑपरेशन फ्लड तो एक समयबद्ध और एक कार्यक्रम पर आधारित था जिसने जो है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया, लेकिन भारत में इससे पहले से ही दुग्ध विकास के लिए कार्यक्रम जो है चलते रहे हैं। भारत में अगर देखा जाए तो एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि से संबद्ध अगर गतिविधियों को देखने का प्रयास किया जाए तो उसमें जो है कृषि के साथ साथ जो पशुपालन किया जाना भारत में प्राचीन काल से जो है होता आ रहा है। कृषकों को पशुओं के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से खेत की जुताई और खेत के उर्वरक के रूप में कंपोस्ट इत्यादि को बनाने के लिए जो गोबर की प्राप्ति होती है, इसी तरीके से जो है पशुओं को जो है चारे के रूप में वहाँ से जो है कृषि से जो है उत्पाद प्राप्त होता है। इस तरीके से दोनों जो है एक दूसरे के नज़दीक हैं और एक दूसरे की जो है सहायता करते हैं। तो भारत में जो है अगर देखा जाए तो दुग्ध विकास के लिए जो है कुछ चार महत्वपूर्ण जो है संस्थाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, NDRI, ENDDB,
एनडीडीबी और राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड, राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। तो इस तरीके से ये चार महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हैं जो कि भारत में दुग्ध विकास के लिए प्रारंभ की गई थी, और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1923 ईस्वी में जो है हरियाणा के जो है करनाल, हरियाणा के जो है करनाल नामक स्थान पर की गई थी। ये परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर की गई है, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। और चूंकि आपके टॉपिक में ये लेक्चर विशेष रूप से ये टॉपिक रखा गया है, तो यहां से सवाल पूछा जाना लगभग लगभग तय है और आपको इसी तैयारी करना भी चाहिए। तो 1923 ईस्वी में स्थापित की गई थी और यह ध्यातव्य है कि 1989 में आकर के 1989 में ला करके इसे जो है मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। और बेसिकली इसका काम जो है दूध पर रिसर्च करना, दूध से बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करना है और इसके माध्यम से जो है किसानों की आय को बढ़ाना, तो ये जो है रिसर्च का काम करता है। एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। और 1965 ईस्वी में पूर्व में लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि यहाँ पर एफसीआई की भी स्थापना की गई थी, कृषि मूल्य आयोग की भी स्थापना। बेसिकली ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भाई हमने बात किया कृषि और पशुपालन की, तो कृषि से जो है और पशुपालन से, तो यहाँ पे एफसीआई भी कृषि के उत्पाद की बात करता है जो कि 1965 में स्थापित हुआ है, और दूसरी तरफ एफसीआई कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग भी 1965 ईस्वी में, हालांकि उसका नाम 1985 ईस्वी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया, लेकिन मूल रूप से 1965 ईस्वी में वो स्थापित हुआ था। तो एफसीआई और दूसरी तरफ कृषि मूल्य आयोग, ये दोनों 1965 ईस्वी में स्थापित हुए। और तीसरी जो संस्था है वो क्या है, वो एनडीडीबी जो कि 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ये तीनों आंकड़े एक दूसरे से जोड़ करके देखेंगे तो आप लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। 1965 में एनडीडीबी, ये बेसिकली किसानों की जो है सहायता करता है, और ये दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, जैसे ऑपरेशन फ्लड की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां भी मूल इकाई जो है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो मूल इकाई थी, वहां पे दुग्ध ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां, ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, यही उसका नाम है, ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ये बेसिकली इसकी ये जो है वो मूल जो है मूल था। इन्हीं के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम और विकास के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे उसकी मूल इकाई थी ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। आज की डेट में भी विभिन्न प्रकार के गांव में डेयरी खुले हुए हैं, वो डेयरी भी इसी सहकारी कांसेप्ट पर चल रहा है कि यानी कि किसान वहां पर अपने दूध का उत्पादन करते हैं और वो लेकर जाकर के उस कलेक्शन सेंटर यानी कि जिसे कहा जाता है संग्रहण केंद्र पर जो है जमा करते हैं और पुनः वो प्रोसेसिंग के लिए जो है प्रोसेसिंग सेंटर पर जाता है। तो ये भी सहकारिता के अंतर्गत खोली गई जो मूल इकाई है, जिसके माध्यम से हमने ऑपरेशन फ्लड के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा 1998 से ईस्वी से पूरे दुनिया में जो है दुग्ध के उत्पादन में पहले स्थान पर बने हुए हैं। तो ये बेसिकली जो ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जो है ये इसकी जो मूल इकाई थी, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है। तो एनडीडीबी की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई, ये बेसिकली जो है किसानों को सहायता करता है कि किस तरीके से दूध का उत्पादन, यहाँ पर रिसर्च का काम होता था, शोध किया जाता था कि दूध को कैसे उसकी गुणवत्ता बनाई जा सकती है, कैसे लंबे समय तक रखा जा सकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये रिसर्च का काम एनडीआरआई करता है करनाल हरियाणा,
और जो एनडीडीबी था 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो ये गुजरात के आनंद नामक स्थान पर इसकी की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आनंद है इसी आनंद से अमूल बना हुआ है। ये है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और ये इसी आनंद पे जो है आधारित है, इसी आनंद के नाम से बना हुआ है और ये स्वयं जो है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित दुग्ध के उत्पादन और उसके लिए जो है प्रोसेसिंग का एक महत्वपूर्ण जो केंद्र है जो कि आनंद गुजरात में जो है स्थित है और इसी के नाम पर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है पड़ा हुआ है जो कि आपके मार्केट में अमूल दूध के नाम से प्रचलित है। तो ये इसी से जो संबंधित है, 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें एक और ध्यातव्य बात है कि ये 1987 ईस्वी में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट पारित हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी दुग्ध विकास बोर्ड अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये जो है 1987 से संबंधित है। तो यानी कि 1965, 1987 और 1923 और 1989 ये डेटा आप लोगों के लिए याद करने लायक है और ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना होगा। तो ये बातें रही एनडीडीबी से, तो दो महत्वपूर्ण संस्था एनडीआरआई और एनडीडीबी है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड, यहां पर इसे हमें समझना होगा थोड़ा सा राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के बारे में कि बेसिकली राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड जैसे इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी ग्रिड बनाए जाते हैं जो कि एक नेटवर्क होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। एक क्षेत्र में अगर अधिक है तो वह जो है अभाव वाले क्षेत्रों में उसको प्रेषित करता है ताकि एक बैलेंस बनाया जाना संभव हो सके। उसी कॉन्सेप्ट पर राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड बनाया गया है, इससे पूरे देश के जो है दुग्ध जो है उपभोक्ताओं को एक दूसरे में जोड़ने का काम किया गया है ताकि दुग्ध के उत्पादन और उसके आपूर्ति को सुनिश्चित करने के बीच में मौसमी और क्षेत्रीय इन अनिश्चितताओं को दूर किया जा सके और एक नियमित दरों पर तथा लाभकारी दरों पर उपभोक्ताओं को दूध के उत्पादन और उसके जो है विभिन्न प्रकार के उत्पाद को पहुंचाया जाना संभव हो सके। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कहने का मतलब यह है कि ग्रिड का तात्पर्य कि उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है ताकि जो है समय से सस्ती दरों पर उन्हें दूध उत्पादन और उससे संबंधित उत्पादों को पहुंचाया जाना संभव हो सके। तो यह राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड है। अगला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, यह भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन में लगी हुई इकाइयों, राज्यों और किसानों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना बजट 2014-15 में जो है इसे जो है प्रारंभ किया गया है और इसके अंतर्गत जो है किसानों को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 3 प्रकार से 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख के जो है धनराशियों के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो गोपाल रत्न पुरस्कार दुग्ध के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो ये जो है प्रयास भारत में दुग्ध के विकास के लिए जो है किया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस लेक्चर और टॉपिक में जो है दो महत्वपूर्ण बिंदुओं, एक तो दुग्ध विकास को और दूसरा जो है ऑपरेशन फ्लड को जो है कवर करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से दुग्ध के संदर्भ में, दुग्ध उत्पादन से संबंधित विकास में, दुग्ध उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के जो है चरणों के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में, केवल इसी परीक्षा में ही नहीं बल्कि आपको वनडे परीक्षा और सिविल सेवा के अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इन सारी चीजों को जो है तैयार करना जरूरी है। अब चूंकि हम लोग अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर ही रहे हैं तो छोटा सा एक और टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और वो इस प्रकार से है। एक तो इसमें एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि धन और वर्सेस पूंजी, ये दोनों एक ही नहीं है बल्कि दो है। धन और पूंजी में क्या अंतर है। जैसे कोई भी व्यक्ति इनकम, किसी व्यक्ति की जो भी आय है, अगर मान लीजिए 50,000 इनकम है, वो अपने भोजन, मकान, पानी, शिक्षा और अन्य सभी खर्चों पर उसमें से 30,000 खर्च कर दिया, 20,000 उसके पास बचा, 20,000 उसके पास जो बचता है। अब ये अगर 20,000 व्यक्ति अपने घर में आलमारी में रख लेता है तो ये जो है धन की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर वह इसे जो है
और उसके पास में अगर एक कोई दुकान है या कोई छोटी सी फर्म है, यूनिट है प्रोडक्शन की या कोई बिजनेस है उसमें लगा देता है तो ये क्या हो जाता है, वह पूंजी बन जाता है। तो धन और पूंजी में बेसिकली ये महत्वपूर्ण अंतर होता है, क्योंकि पूंजी हमेशा जो है उत्पादन की प्रक्रिया में लगा होता है और वहां से वापसी होती है, व्यक्ति को उससे अतिरिक्त लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो ये धन और पूंजी के बीच में एक अंतर होता है। पूंजी निर्माण भी एक कॉन्सेप्ट है। पूंजी निर्माण क्या है? व्यक्ति के आय में अपने व्यक्तिगत खर्च के बाद जो भी बचत होता है और जब उस बचत का व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रिया में जो है निवेश कर देता है तो वह पूंजी निर्माण होता है। जैसे हमने पूंजी प्राप्त हुई है, पूंजी निर्माण हो जाता है और इस पूंजी निर्माण के द्वारा जो है व्यावसायिक गतिविधियां की जाती हैं, उससे जो है मुनाफा भी प्राप्त होता है और उसके जो है उत्पादक को जो है इससे लाभ होता है। तो ये पूंजी निर्माण की स्थिति है कि यानी कि व्यक्ति के आय में अपने निजी खर्चों के बाद जो भी बचत होता है यदि उसे निवेश की प्रक्रिया में जो है लगा दिया जाता है तो पूंजी निर्माण होता है। यहाँ एक और चीज है कि बचत पर पूंजी निर्माण बचत पर निर्भर करती है और बचत सबसे ज्यादा जो है वो घरेलू क्षेत्र में होता है। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि बचत जो है वो घरेलू क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। पूंजी निर्माण है, ये किसी में पूंजी उत्पाद होता है, पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात। अब ये क्या चीज है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है इसलिए बताया जा रहा है। पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कि पूंजी लगाने के बाद किसी भी जो है इकाई में पूंजी बढ़ाने के बाद उसके उत्पादन में कितना वृद्धि होता है, इसी का अनुपात ही जो है पूंजी उत्पाद अनुपात कहलाता है। और एक अच्छे इकाई के लिए पूंजी उत्पाद अनुपात जो है उसका कम होना आवश्यक है। यहाँ ज्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पूंजी उत्पाद अनुपात जो है कम होना जरूर चाहिए कि हम कम पूंजी के माध्यम से ज्यादा उत्पादन कर सके। भारत में जो है विभिन्न प्रकार के उद्योगों की ये समस्या है कि यहाँ पर पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है, यानी कि उत्पादन की प्रति इकाई जो है को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा पूंजी खर्च करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी जो है समस्या है और ज्यादा इसलिए खर्च करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास तकनीक का अभाव है। जब हम टेक्निकली किसी काम को जो है परफॉर्म करते हैं तो वहां पर हमारा पूंजी कम लगता है और कम समय में कम पूंजी के द्वारा हम ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं। तो बेसिकली क्या चीजें निकल के आई कि पूंजी उत्पाद अनुपात के प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो पूंजी लगती है वही पूंजी उत्पाद अनुपात होता है, लेकिन इसका जो है कम होना जरूरी है। और जब ज्यादा होता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं, वस्तु महंगी होती है और बाजार में जो है महंगी दरों पर उपभोक्ताओं को मिलता है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, सीमांत, सीमांत उत्पादकता। इसमें एक चीज और आ गई आपको, सीमांत उत्पादकता। सीमांत उत्पादकता क्या है, यह भी इसी तरीके से है लेकिन यहां पूंजी की बात नहीं की जाती है। सीमांत उत्पादकता यह है कि किसी भी इकाई में, किसी भी उत्पादन की इकाई में अगर हम लागत को बढ़ाते हैं, एक इकाई लागत के बढ़ाने के बाद जितना भी उत्पादन बढ़ता है वही सीमांत उत्पादकता कहलाती है। सीमांत उत्पादकता का मतलब अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखें, एक दो तीन चार पाँच छ सात, अगर हम किसी भी उत्पादन में जो है इस प्रकार से सात इकाई या सात यूनिट पर काम कर रहे हैं, सात यूनिट लागत पर काम कर रहे हैं, सात यूनिट लागत पर काम कर रहे हैं और हमारे पास जो है पचास पचास आइटम, ये सात जो है सात इकाई लागत या सात यूनिट लागत पर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास पचास आइटम का उत्पादन हो रहा है। और अगर इसमें हम इसको बढ़ा करके आठ कर दें, यानी कि प्लस वन यूनिट और बढ़ा दिया गया और इसका उत्पादन हो गया टोटल जो है वो इसका उत्पादन 57 हो गया, तो दिस मीन कि यहां पर इसकी सीमांत उत्पादकता जो है वो 7 है, यानी कि बढ़ा कितना है 7 है, तो वही इसकी सीमांत उत्पादकता होती है। तो ये चल रही चीजें धन और पूंजी के बीच में अंतर। पूंजी निर्माण क्या है और ये किस पर आधारित है,
पूंजी उत्पादन उत्पाद क्या है और सीमांत उत्पादकता क्या है, इस चीज को छोटी छोटी चीजों को हम लोग जो है इसी टॉपिक में समेटते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को मुख्य विषय के साथ साथ उन सभी चीजों से भी परिचित और अवगत कराया जा सके जो परीक्षा में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और जिसकी जानकारी होने के साथ आप परीक्षा में बहुत ही आत्मविश्वास और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी फेस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के बारे में पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक ठोस जानकारी मिलेगी, एक कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होगा और परीक्षा में आप मजबूती से जा करके एग्जाम देंगे। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने परीक्षा पर भरोसा कीजिए, कंडक्टिंग बॉडी के मनसा पर भरोसा कीजिए और परीक्षा दे करके आइए। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स ही नहीं बल्कि अंतिम रूप से चयन होने में भी जो आप लोगों को मदद मिलेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।